हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ इस नोटिफिकेशन को आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसके अनुसार ए वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन द इंस्टीट्यूट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन ए कंसोलिडेटेड पे ऑफ ₹45,000 पर मंथ फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। तो एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है और इसमें जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो ₹45,000 पर मंथ है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंट पोजीशंस हैं और उनकी डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स एक पोस्ट है और जो डेट और टाइम इंटरव्यू आप यहां से देख सकते हैं 24/6/2024 को और टाइमिंग है 10 AM। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स एक पोस्ट है और इनका जो इंटरव्यू की डेट है वो 24/6/2024 है और 2 PM है। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन पीडागोगी ऑफ हिंदी एक पोस्ट है और टाइमिंग और इंटरव्यू की डेट आप देख सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी गेस्ट फैकल्टी अगेंस्ट लीव वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन पीडागोगी ऑफ इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में दो पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन ICT में एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन में दो पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस में दो पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री में एक पोस्ट है। और जो यहाँ से आप इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग डेट में है। और जो एज लिमिट है आप यहाँ से देख सकते हैं एज पर द UGC NCERT GOI नॉर्म्स एंड द डेट फॉर डिटर्मिनेशन एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। और जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स इन अ कंसर्न रेलिवेंट और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट कंडक्टेड बाय द UGC और CSIR और सिमिलर टेस्ट लाइक दैट स्लेट और सेट एंड ऐसे कैंडिडेट जिनकी PhD UGC रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के तहत अवार्ड हुई है तो उन कैंडिडेट को नेट की बाध्यता से छूट दी जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट जिनके PhD के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पूर्व है तो उन कैंडिडेट को भी नेट से छूट दी जाएगी, मगर उन कैंडिडेट को इन 5 कंडीशंस के फुलफिलमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। और ये 5 कंडीशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड। PhD थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं 5 कंडीशंस और द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स विद मिनिमम 55% और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन एडिशन। और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए आप देख सकते हैं ₹1,000 पर लेक्चर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ₹25,000 पर मंथ। तो हिंदी के लिए जो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो ₹1,000 पर लेक्चर और मैक्सिमम ₹25,000 पर मंथ है। एंड नेट सेलेक्ट सेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सर्च मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेलेक्ट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द UGC CSIR। और डिजायरेबल है इसमें BEd MEd फॉर ऑल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी पोस्ट के लिए इसमें डिजायरेबल को जो क्वालिफिकेशन है वो BEd या फिर MEd होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आप यहाँ से देख सकते हैं। कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू विद देयर एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट विद अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स प्रूफ ऑफ एज कास्ट सर्टिफिकेट एंड लाइक दैट SC ST OBC एंड प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल फॉर स्क्रूटनी 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू। और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आप यहाँ से देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसी के साथ अटैच्ड है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। पेज नंबर 3 पे है, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल करके इंटरव्यू के टाइम पे ले जा सकते हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।